देश की सियासत में आज का दिन बहुत बड़ा है, बेहद बड़ा है। जब बिहार में जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी होने के साथ ही सियासी हंगामा शोरगुल देखिए किस तरह से अब खड़ा हो गया है। दरअसल बिहार सरकार में मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने इसे लेकर खिताब भी जारी की। बिहार में जाति आधारित गणना में कुल आबादी, ध्यान से सुनिएगा इन पूरे आंकड़ों को, 13,07,25,310 बताई गई। बिहार सरकार के जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पिछड़ा वर्ग की आबादी का जिक्र करें तो यह 27.12% पाई गई है, यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% है। इन आंकड़ों को आप बहुत गौर से समझिएगा और सुनिएगा क्योंकि इसी को लेकर बिहार की सियासत अब गर्मा गई है, अपने चरम पर है। वहीं अनुसूचित जाति का जिक्र करें तो 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और सामान्य वर्ग 15.52% यहां पर है। यानी कि जो बिहार में यह जातिगत जनगणना हुई है उसे लेकर नीतीश सरकार के जहां अपने हैं वो तारीफों के पुल बांधते नजर आ रहे हैं तो साथ ही विपक्ष इसे लेकर कोसता भी नजर आ रहा है। स्टैटिस्टिक्स ये फाइनल वर्ड नहीं है, अभी तो ये स्टेज वन है जहां आपके पास आंकड़े आ गए। ये आंकड़ा सुलभ करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज। इसमें अभी पहले तो स्टैट्स जब आपको मिलता है तो आपके प्लानिंग ज़्यादा पॉइंटेड रहते हैं। जो हम टारगेटेड जो ग्रुप्स हैं, बहुत बार आप देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप का एजुकेशनल लेवल वैसा नहीं है, इकोनॉमिक लेवल ऐसा नहीं है। तो कभी भी आपका जब स्टेटिस्टिक्स इनडेप्थ आप जाते हैं तो आपको टारगेटेड अप्रोच करने में फ़ायदा होता है। आपको याद होगा पहले जब PDS होता था तो PDS में अक्रॉस द बोर्ड जाता था तो TPDS आया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो टारगेट ओरिएंटेशन करना है, अगर आपको वल्नरेबल ग्रुप्स को कवर करना है तो जितना आपके पास स्टेटिस्टिक्स होगा उतना आप बेहतर महसूस करेंगे अपनी डिलीवरी में। और बिहार की जातीय जनगणना पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लोगों को बधाई दी और साथ ही कहा कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने जातीय गणना को कामयाब बनाया, सफल करवाया। तेजस्वी यादव ने जानकारी दी कि नीतीश कुमार जल्द ही सभी दलों के साथ बैठक करेंगे, यह मुलाकात होगी, मीटिंग होगी और धीरे धीरे और ज्यादा डेटा जो है वो जारी किया जाएगा। बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के आप सब लोग जानते हैं कि आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का, हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। और उधर नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना पर ट्वीट कर जातीय आधारित गणना में जो कार्य में लगी हुई पूरी टीम थी उसे बधाई भी दी। नीतीश कुमार ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि जाति आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में मालूम चला, उनके आंकड़े सामने आए, बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी यहां पर हासिल हुई है और इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास एवं उत्थान के लिए अग्रेतर कार्रवाई यहां पर की जाएगी, यानी कि आगे बढ़ चढ़कर यहां पर उनके विकास की जो ये पूरी रूपरेखा है वो तय होगी। नीतीश कुमार की तरफ से क्या क्या ट्वीट यहां पर किया गया, क्या कुछ खास यहां पर कहा गया गांधी जयंती के शुभ अवसर, हालांकि शुरुआत पर उन्होंने ट्वीट किया उसकी ढेर बधाई यहां पर देते हुए जाति जनगणना को लेकर अपनी बात, अपनी विचारधारा एक बार फिर से यहां पर सामने रखी। और इसी के साथ जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दूसरी तरफ रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ओबीसी की बात करने वाले परिवार से आखिर बाहर निकल पाएंगे। माननीय नीतीश कुमार जी जो कहते हैं सो करते हैं। अगर तय किया कि जाति सर्वे कराएंगे तो करवा दिया, रिपोर्ट सार्वजनिक भी हो गया। अब वैसे लोग भारतीय जनता पार्टी का वह उन्मादी कुनबा जो जाति सर्वे में कानूनी पेचीदगियां लगा रहा था, पेट में असहाय दर्द था, उसके बावजूद बिहार ने नजीर कायम किया है। अब जनगणना का क्या डाटा हुआ है देखकर बात करेंगे। सवाल है कि ओबीसी की बात करने वाले
अपनी राजनीति को परिवार से आगे निकालेंगे क्या? इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव के बाद सोनिया जी, फिर राहुल जी, यहाँ पर लालू जी, फिर राबड़ी जी और फिर तेजस्वी जी, वहाँ मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, ममता जी और उनके भतीजा जी, आम ओबीसी कहाँ है? तो लंबे वक्त से जाति जनगणना की बात लगातार बिहार में चल रही थी और अब पहला राज्य भी बन गया है बिहार इसी के साथ जिसने जाति जनगणना के जो आंकड़े हैं वो सामने रखे। चलिए अब आपको बताते हैं कि बिहार में जाति जनगणना पर अब क्या क्या और कब हुआ। 27 फरवरी 2020 प्रस्ताव विधानसभा में पास हुआ। अगस्त 2021 तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष ने सहमति जताई और 1 जून 2022 को सर्वदलीय बैठक में सहमति भी बनी। 2 जून 2022 कैबिनेट से जातीय जनगणना कराने की मंजूरी मिली और इसी तरीके से जातीय जनगणना का जो प्रोसीजर था वो आगे चलता गया। हालांकि इसको लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही है, लेकिन किस तरीके से जनगणना कराई गई, तमाम जो अधिकारी थे उनको भी अलग अलग जिम्मेदारियां यहां पर सौंपी गई थी और किस तरीके से दो चरणों में ये जातीय जनगणना बिहार में कराई गई है, लेकिन इसी के बाद से अब बिहार की जो सियासत है वो भी गरमाई हुई है। तो प्रस्ताव पहले विधानसभा में पास होता है 2020 को, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष ने इस पर सहमति जताई 2021 में और जून 2022 में 20 को लेकर काम होता है और 2023 से आपको बता दें फरवरी से 7 तारीख जनवरी में इसकी शुरुआत होती है और उसके बाद जनवरी में पहला चरण पूरा कर लिया जाता है। 13 अप्रैल को फिर शुरू होता है दूसरा चरण जिसमें अलग अलग घरों में जा जाकर लोगों के जो आंकड़े हैं वो जुटाए जाते हैं, उनकी जो आमदनी है वो जुटाई जाती है और अलग अलग आंकड़े इसी तरीके से जुटाकर अब आपके सामने जाति जनगणना के आंकड़े बिहार के हैं। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। बिहार की राजनीति इस वक्त बहुत हलचल है वहां पे। अब से कुछ ही देर पहले नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में एक बड़ा दांव चला है। 2024 के चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना का सर्वे जारी कर दिया। जैसे ही आंकड़ा सामने आया सियासत भी तेज हो गई। नीतीश और लालू यादव ने एक तरफ आज के दिन को ऐतिहासिक बताया तो दूसरी ओर बीजेपी ने जातीय जनगणना रिपोर्ट का समर्थन तो किया, लेकिन बीजेपी ने नीतीश सरकार के उनके कामकाज का रिपोर्ट भी मांगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जातीय सर्वे का प्रयोग 2024 में किस पार्टी का संयोग बनाएगा? क्या राजनीति एक बार फिर मंडल बनाम कमंडल की होने जा रही है, यानी क्या ये राजनीति 90 के दशक की ओर आगे बढ़ी है? ये सवाल अहम है। क्या जितनी जिसकी भागीदारी है सत्ता में उसे मिलेगी हिस्सेदारी? आज का सुलगता सवाल इसी मुद्दे पर है। एक एक करके हम तमाम मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन पहले बड़ी बातें। सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज नीतीश कुमार उभरे हैं, जिन्होंने कई सौ वर्षों की गुलामी को तोड़ करके जातिगत जनगणना जनता के सामने रखी है। एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है। सवाल है कि ओबीसी की बात करने वाले अपनी राजनीति को परिवार से आगे निकालेंगे क्या? गरीबों में भरम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। ये जो एक लगा रहे थे कि बड़ी चमत्कार, बड़ा बदलाव, अरे सबको जानकारी है जो आप बता रहे हैं। जातियों के विश्वास इनसे हटने लगा है, इसलिए फिर से वो एक समाज के लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए बिहार के लोगों को ये आधा अधूरा है। अभी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उसका तो रिपोर्ट ही नहीं आया। भारत की राजनीति में आज का सबसे बड़ा मुद्दा यही है और इसी पे एक बड़ा पैनल मेरे साथ इस वक्त है। सबका परिचय करवा दूं और एक एक करके सवाल दूंगी। संजय कुमार जो कि सेफोलॉजिस्ट है इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस पार्टी से, राजीव रंजन जेडीयू, सुबोध मेहता आरजेडी से, कुंतल कृष्णा बीजेपी से, आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं संजय जी का रुख करूंगी। इत्तेफाक से संजय जी इस वक्त आप बिहार में ही हैं और बिहार की हम चर्चा भी कर रहे हैं। जब मैं बिहार की बात करने जा रही हूं तो सबसे पहले मैं 2015 के चुनाव को याद करना चाहती हूं। उस समय वहीं पे थी
मोहन भागवत का एक बयान सामने आता है। उस बयान को बहुत अलग तरीके से लालू प्रसाद ने पेश किया और ये मैसेज पिछड़े वर्ग में गया कि आरक्षण को खत्म किया जाएगा और बिहार चुनाव 2015 का जो चुनाव परिणाम था वो सेफोलॉजिस्ट होने के नाते आपको बेहतर तरीके से याद है कि पूरी चुनावी राजनीति जो थी वो जातीय मुद्दों के इर्द गिर्द हो गई और उससे बहुत फायदा विपक्षी पार्टियों को, खासकर लालू और नीतीश कुमार को मिला। क्या उसी को आधार बनाते